दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देव सारेश्वर पर एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं निकला हूँ अपने स्टूडियो से बाहर, कुछ प्रकृति से बातें करने, कुछ लोगों से बातें करने, कुछ अपनी सुनाने, कुछ औरों की सुनने। इसमें आज मैंने एक हीरा ढूंढा और इन हीरे से मुलाकात मेरे एक वीडियो के बाद ही हुई। मैंने कुछ नए वीडियो बनाए हैं जो आप लोगों को डालने थे, तो नए वीडियो को मैं इनको दिखाने लग गया। मैंने ये कैसे लगा, इन्होंने तुरंत कहा कि आप अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है तो यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पर डालिए, ये वीडियो बहुत अच्छे हैं, बहुत परिवर्तन लाएंगे। तो मैं इनसे मिलाना चाहता हूँ, आप अपना नाम भी बताइए और उस वो वीडियो के बारे में बताइए, आपको क्या लगा, कैसा लगा, जो उससे बताइएगा ना कि आवाज़ जाए। तो पहले तो सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। और नाम मेरा एलेक्स नाम है, वैसे नाम मेरा वसीम है लेकिन यहाँ पे मुझे मुझे प्यार से बुलाते हैं एलेक्स, ठीक है। और सर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। सर हमारे यहाँ पे हेयर कट कराने आए थे, सर से पहली बार मुलाकात हुई है और सर ने हमें कुछ वीडियो दिखाए। तो मैंने वो वीडियो देखे, उस वीडियो के अंदर जो है ना, मतलब मैंने सर को बोला कि सर आप एक यूट्यूब चैनल बनाओ और इस वीडियो को पोस्ट करो, लेकिन सर ने बोला मेरे थोड़ी देर बाद कि मेरा यूट्यूब चैनल है और जो भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, सर ने मुझे और वीडियो दिखाई। मैंने सर को बोला आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, मतलब आपकी जो वीडियो है मतलब एकता लाने वाली वीडियो है और नॉलेज देने वाली वीडियो है, मतलब एक दूसरे में ज्ञान बांटने वाली वीडियो है। सर ने मुझे थोड़ी वीडियो दिखाई और मुझे कुछ समझ आया, मैंने कुछ सीखा है और मैं आगे मतलब ये जो सीखा है अपने और दोस्तों को सिखाऊंगा, ये मतलब सीखने वाली वीडियो है, एक दूसरे को सिखाने वाली वीडियो है। दोस्तों मेरा इनको वीडियो में लाने के पीछे तो यही मकसद था, जब मैं इनको वीडियो दिखा रहा था इन्होंने कहा यूट्यूब चैनल बनाओ, तो मैंने कहा है। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि मैंने आपसे लिखा ही नहीं, मैंने कहा यार इनको जरूर मिलवाओ कि मेरे एक वीडियो टीवी यूट्यूब चैनल पर आए भी नहीं, इतने प्रभावित हैं कि इससे हम सबको फैलाएंगे। और इन्होंने कहा कि ऐसी बात करने वाला मैंने देखा नहीं। मैंने कहा तो ये फिर इनसे जरूर मिलवाना चाहिए कि ये इतने प्रभावित हैं, तो आप लोग तो पूरे वर्ल्ड में देखते ही हैं मेरे वीडियो, तो ऐसे आप भी फिर अगर उससे प्रभावित हो वीडियो से तो आप भी बुलाइए, क्योंकि सबको ऐसी बातें जो सबको मिला के रखती हो, जिनसे प्यार बढ़ता हो, जिनसे एकता बढ़ती हो, वो सबको फैलानी चाहिए। ऐसी बातें ढूंढ ढूंढ के फैलानी चाहिए जिनसे एकता प्यार एकजुटता बढ़े। अगर हमें वो बातें याद हो तो बतानी चाहिए, जरूरी भागती दौड़ती जिंदगी में सबको सब चीज़ें याद ही रहे, सबको अपनी समस्याएं याद रहे, बातें तो बहुत सारी हैं। और आप क्या कहना चाहें दोस्तों इन हमसे बातचीत के बाद अगला वीडियो आ रहा है, तो आपको तो कहना चाहिए बताइए। सर ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मतलब तो आप सब फैन में तो कर ही लिया सर, आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब और उसे भी कराइएगा, सब फैन मतलब जितने भी इस वीडियो को देखने वाले हैं सब सब्सक्राइब करो और लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, क्योंकि जो सर की मतलब जो वीडियो है ना, वो ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, मतलब एक नॉलेज देने वाली वीडियो है, ज्ञान देने वाली। आज ये मेरे से प्रभावित हूँ, मैं इनसे प्रभावित हूँ कि अगर मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसे वीडियो देखने वाले हैं जो चाहते हैं कि ऐसी वीडियो बनाई जाए। और इन्होंने तो डायरेक्ट ही देखा, मैं इनको दिखा रहा था, इनके पास आया। तो दोस्तों ठीक है, इंतजार खत्म, अगला ये वीडियो देखिए और अपने कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या ज़माना आ गया है दोस्तों कलयुग का। मैंने सड़क पर जाते हुए ऐसी एक अनजान व्यक्ति से बोल दिया, नमस्कार कैसे हैं आप, तो ना उसने नमस्कार लिया ना ये बताया कैसे हैं वो, और मुझसे पूछा कि आप मुझे जानते हो क्या। मैंने कहा भाई नमस्कार करने के लिए, हालचाल पूछने के लिए जानना ज़रूरी है क्या? मैंने कहा आपका क्या नाम है? मैंने कहा नाम तो बाद में, पहले आप बताओ आप मुझे क्यों पूछ रहे हो मेरे हालचाल, आप मुझे सम्मान क्यों दे रहे हो? मैंने कहा आप इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो, मैं सम्मान ही दे रहा हूँ आपको, आपके हालचाल ही तो पूछ रहा हूँ, क्या पूछ ही क्यों रहे आप, हो कौन मेरे? मैंने कहा आप इतने नाराज क्यों हो? कह रहे घर वाले नहीं पूछते, अपने नहीं पूछते, आप बहुत कौन जो पूछ रहे हो? दोस्तों मैं तब से टेंशन में हूँ, बात तो सही थी, खुद के बच्चे नहीं पूछते, खुद के परिवार वाले नहीं पूछते कैसे हो, दुआ सलाम नहीं करते, और एक अजनबी व्यक्ति सड़क पे जाके आपसे हाल चाल पूछे, आपको प्रणाम कर दे, तो ये लगेगा ये दुनिया का नहीं है। कोई अपना आदमी तो पूछ नहीं रहा, अरे अजनबी पूछ रहा, जरूर मजाक उड़ा रहा होगा। उसको ऐसी फीलिंग हुई। तो दोस्तों एक बात खुद बताओ,
जब ऐसे आचार व्यवहार होंगे कि हम किसी को प्रणाम करने को पहले पूछा, आप मुझे जानते हो क्या, मतलब उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि आपने मेरे को प्रणाम कर दिया, आपने मेरे से हाल चाल पूछ लिए। तो आप समझ लो कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके बताइए। जिस चीज से अमन चैन शांति सुकून एकजुटता बनी रहे, उन चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के निकालना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या है कि लोगों को पता नहीं होती ये बातें। मैंने कहा ना भी कि एक ड्राइवर उसे इससे मतलब नहीं है कि उसका यात्री कहाँ जा रहा है। हो सकता है वो किसी ऐसे धर्म का हो जो वहाँ जाना हो, अपने मन से चाहे तो वहाँ ना जाए, मगर जब कर्म की बात है तो यात्रियों को वहाँ ले जा रहा है। तो वो कर्म के सामने ये भूल जाता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ वैसे मैं जाना चाहूँ। मुझे घर वाले नहीं कहेंगे तो वहाँ क्या करने जा रहा है, मगर यात्रियों को। वो कर्म जो है सब चीज़ें भुला देते हैं। कर्म प्रधान कहा गया है ना हमारे यहाँ। दूसरी बात, जब आप रास्ते पे चल रहे होते हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई ड्यूटी पे जा रहा है, कोई मजदूरी पे जा रहा है, मैं धार्मिक स्थलों के नाम नहीं लेता, कोई अपने धार्मिक स्थल पे जा रहा है, कोई अपने पे जा रहा है, तो रास्ते स्टार्टिंग में मतलब बहुत दूर तक जाते जाते एक ही मिलेंगे रास्ते, उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे, तू अपने पे तू अपने पे। मगर रास्ते मिलाते हैं उस पर मरीज भी जा रहा है। और एक और देखो खूबसूरत बात, आप जब चल रहे हो आपके पीछे आपका नौकर भी जा रहा है जो आपसे घर में खड़ा रहेगा और वो आपके साथ साथ चल रहा है। और आप ये नहीं कहेंगे तू कैसे जा रहा है, आपके साथ साथ आप बहुत बड़े अधिकारी बड़े हो सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, सभी जाते हैं, कूड़ा चुगने वाला भी जा रहा है, आप ये नहीं कह सकते तू मेरे साथ कैसे चल रहा है। आपके साथ साथ वो सब चलते हैं जिनको अगर आप कहीं जाके बैठ जाएँ तो अलग अलग जगह खड़े हो जाएंगे, तो बैठ जाएंगे, मगर रास्ते सबको एक कर देते हैं, सबको अपनी मंजिल पे जाना होता है। और एक और बात, रास्ते में कोई तकलीफ में आ जाए तो कोई जाति धर्म ऊंच नीच की बात नहीं करता, मदद करने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। और बात सुनिए, अगर आप रोड पे जा रहे हो तो रोड पे ये नहीं होता कि मैं तेरे से पावरफुल हूँ, मेरी गाड़ी से आगे तू नहीं निकालेगा, पहले मेरी जाएगी, नहीं भी आगे निकलना है तो जाओ जाओ रास्ता दे। ऐसे जीवन में रास्ता देना चाहिए जैसे गाड़ी पे ड्राइवर लोग रास्ता देते हैं कि अगर मेरे से जल्दी आपको है तो आप जाएंगे, कोई भेद नहीं। आप मेरे वीडियोस को दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, हमें ऐसे ऐसे पॉइंट ढूंढने चाहिए जो ये बताए हमें कि नहीं हम सब एक हैं, हम अलग अलग भी हैं तो मगर हम अलग अलग नहीं हैं, हम अलग अलग कई बातों से हो सकते हैं मगर हम सब एक ही हैं। और अगर हम सब रास्तों पे एक हो सकते हैं, कर्म करते हुए एक हो सकते हैं, तो फिर हम एक हो सकते हैं। इसका मतलब हमें क्वालिटी है कि हम एक हो सकते हैं। शांति बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, एकजुटता बनाए रखिए, इसी में सबका विकास है, ऐसा उतना चाहता है। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके बताइए।